हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रैप। और मैं हूँ शिखा, ज्योग्राफी पेपर टू फैकल्टी। और आज मेरा वीडियो बनाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव है दैट कल आप सबकी की आई है, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स की और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। सो कुछ लोगों को पता है वो क्लियर हो जाएंगे, कुछ लोगों को पता है कि वो क्लियर नहीं होंगे। बेसिकली सबको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। बस द थिंग इज दैट वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो ये जो फेज होता है आपका, कि जहां आपको ये पता हो कि आपका होने वाला है या आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो जर्नी होती है वो हमारी बहुत अजीब सी जर्नी होती है। और इस जर्नी में हम बेसिकली हमारा सारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है दैट वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, और ऐसी कुछ फीलिंग हमें आने लग जाती है कि कहां से जुटाएं पावर, कहां से हम पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बोलना चाहती हूं आप लोगों को कि दिस इज द फेज जिससे मैं भी निकली हूं और सब निकलते हैं। मुझे ऐसा लगता है, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे फील होती है और मैंने पढ़ी भी है, कि हम लोगों को, हर इंसान को जो चीज आगे ले जा सकती है या हमें जो हेल्प कर सकता है इज दैट कि वो आप खुद हैं, है ना। आप खुद ही अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। एंड येस, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप थक कर बैठ गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो एक जो थकने के बाद का जो एक स्टेप होता है ना, जब आप बहुत चल लो और उसके बाद वो एक स्टेप के बाद आप अपनी सफलता पा लेते हो, तो उसी तरह ये भी समझिए कि जो थोड़े से नंबरों से चूक रहे हैं या कुछ कुछ भी प्रॉब्लम से रह पा रहे, उनका नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली आपको सारी एनर्जी अपनी एक जगह लगाकर, और आप जो आप थका हुआ फील करें कि इतना पढ़ाई करी नहीं हो रहा, तो एक स्टेप और है जो आपको लेना है। एंड आई नो दिस इज द वेरी हार्डेस्ट स्टेप जो हमें उठाना है, बट ट्रस्ट मी, इस हार्ड स्टेप के बाद ना यू विल गेट द सक्सेस। ये मैंने अपने साथ भी फील किया था और ये मैं आप लोगों को भी दे रही हूं। दिस इज गिविंग यू, बेसिकली मैं इस दिवाली पे आपको गिविंग यू अ मोर पावर, है ना, मोर पॉजिटिविटी। सो ऑल यू हैव टू डू दैट, बैठिए इस दिवाली के बाद में, सारे जने बैठिए, अपना खुद का बैठ के इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? बेसिकली समझिए कि कहां गलती हो रही है, क्योंकि हमसे ज्यादा ना हमारा क्रिटिक्स कोई नहीं होता। हमें पता होता है कहां हम कमी कर रहे हैं और कहां हम सही हैं। सो प्लीज बैठिए। पेपर पैटर्न को समझने से अच्छा होता है पहले खुद के पैटर्न को तो समझिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, किस में आपका हाथ स्ट्रांग है, किस में आपका हाथ तंग है। तो पेपर पैटर्न दुनिया गाती है, अरे भाई खुद का पैटर्न समझिए कि किस तरीके से आप स्टडीज कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक नोबडी कैन टीच यू कि कैसे किस तरीके से पढ़िए, है ना। द थिंग दैट दे कैन हेल्प यू हाउ टू स्टडी, बट ऐसे नहीं कि इस पैटर्न से पढ़िए, उस पैटर्न से पढ़िए। पैटर्न आपका खुद का, सबका इंडिविजुअल होता है। सो बैठिए, देखिए कहां आपसे चूक हुई है पेपर में, उन सारी गलतियों से ही स्टार्ट करना आपका वो लास्ट स्टेप है जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा, जो हमें करना ही करना है। सो हताश हो अगर है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कोई अंत नहीं है। अगर आप सोचे, सबको फेलियर्स देखने को मिलते हैं और फेलियर्स के बाद ही सक्सेस आती है। ऐसे सक्सेस किसी को भी प्लेटर में सज के नहीं आती है। सो ऑल योर, जो भी आपने होप खो दी है या जो हताश हो गए हैं, इस दिवाली प्रॉमिस कीजिए कि सारी एनर्जी को आप एक जगह एकत्रित करके अपने आप को समझेंगे, अपने पैटर्न को समझेंगे, अपनी सारी जितनी भी आपने गलतियां की उसको समझ कर फिर नए सिरे से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। एंड दैट यू हैव टू डू, ऐसा समझिए हमें करना ही है। एंड इट इज नॉट लाइक दैट, देखिए किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, पर सफलता सबको मिलती है। एंड माई फादर यूज टू से दिस कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे बैक। जो भी हम मेहनत करते हैं ना, वो देर सवेर हमें जरूर काम देती है। अभी लग रहा होगा कि ये मैम क्या बातें कर रही हैं, दिवाली का टाइम है या हमें तो ऐसा फील हो रहा है, पर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि इसी टाइम ना आपको वापस से उसी एंथुजियाजम के साथ, उसी जील के साथ आपको स्टडीज करना स्टार्ट करना है। एंड दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द राइट स्टेप टूवर्ड्स योर सक्सेस। तब आपको देखना कोई नहीं रोक पाएगा।
तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं उनकी जर्नी थोड़ी लंबी है, हमें अभी नेट करनी है, नेट हो रही है तो JRF करनी है, PhD करनी है, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी और ये सबने ही तय करी है, जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं या जिनका आप करियर देखते हैं तो ये सबने तय की है, तो ये आपको भी तय करनी होगी। तो एक बार में नहीं तो दूसरी बार में सक्सेस जरूर मिलेगी, तीसरी बार में मिल जाएगी, पर ट्रस्ट मी मिलेगी और ट्रस्ट द प्रोसेस। कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम नहीं हो रहा है, पर ट्रस्ट द प्रोसेस, इसके पीछे कुछ होगा। एंड आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल दैट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सो दैट इज द रीजन कि स्टार्टिंग में बचपन में मुझे भी यही फील होता था वाई मी ओनली, है ना, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, पर ऐसा नहीं है, हर दूसरे इंसान को यही फील होता है कि मेरे साथ ही क्यों। सो यस, सो प्लीज दिस दिवाली सारी अपनी एनर्जीज को लगाइए, बैठिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, खुद से पूछिए खुद का पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपनी कमजोरियों को लिखिए कि कहाँ किस एक सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूं और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि हार्डली मुझे लगता है आपके पास 2 महीने होंगे, फिर दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग में या मिड में आपका एग्जाम मे भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई कैन गिव यू दैट ऑल पॉजिटिविटी फ्रॉम माई साइड, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते, ऑल माई स्टूडेंट्स, एंड येस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली, ठीक है। बी स्ट्रांग एंड आई नो दैट यू पीपल आर अ वॉरियर, तो आप वापस से बैंक ऑन करके आएंगे, ठीक है, और हम मिलकर इस बार जरूर आपका नेट और JRF क्रॉस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड यस हैप्पी दिवाली वंस अगेन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम ऑल द बाइजूस एग्जाम प्रैप टीम, वी आर विद यू एवरी टाइम, ओके। और ये मत सोचिएगा कि इस जर्नी में आप अकेले, नहीं, वी पीपल आर ऑलवेज विद यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।